मेरे गुरु और गुरु भगवंतों को वंदन नंदन अभिनंदन। आज हमारे पर्वाधिराज परिषद जिस पर्व का हम काफी अरसे से लगातार एक वर्ष से हम इंतजार कर रहे थे वो पर्व परिषद आज हमारे द्वार पर पहुंचा है और हमें उनका सम्मान करना है, स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। और अब देख रहे हैं आज 15 अगस्त भी, आज स्वतंत्र दिवस है। आज हम उन महापुरुषों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें इस देश को स्वतंत्र करके स्वयं शहीद हुए और देश के लिए कुर्बानी दी। उसी तरह हमारे शास्त्र के अंदर भी बिना शस्त्र से अपने आप पर स्वतंत्र बनकर इस पर्वाधिराज परिषद की आराधना की है। पर्वाधिराज परिषद इन्हें एक वर्ष के अंदर आता है और 8 दिन के अंदर इसको मनाया जाता है। लेकिन इस कैसे मनाया जाता है हम देखते हैं। बाकी दिनों में हम बाहरी वस्तु कहीं जाना है तैरना और ना शोक करना वो नहीं है। ये पर्वाधिराज परिषद तप और त्याग का समय है, तो हमें चॉइस करना है कि हमें अभी परिषद कैसे मनाना है। फिर चेक करना है कि भाई इन पर्वाधिराज परिषद में हमको कितनी तपस्या करनी है, कितना त्याग करना है और फिर कितनी कषाय से मुक्त होना है, कितने कर्मों को नष्ट करना है। और फिर हमें चैलेंज करना है कि हम एक वर्ष तक हम किसी के प्रति राग और देश की भावना नहीं रखेंगे, कर्मों का बंधन नहीं करेंगे, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। हम देखते हैं प्रतिवर्ष ये हम पर्वाधिराज परिषद कोई स्थानक में मनाता है, कोई उपाश्रय में मनाता है, कोई गुरु भगवंतों के सानिध्य में मनाता है, कोई मंगल कार्यालय जाके मनाता है। लेकिन ये पहला ही प्रसंग आया है कि हमें घर में ही पर्वाधिराज परिषद मनाना है। लेकिन परिषद पर्व जैसे हम स्थानक में, मंदिर में, उपाश्रय में जाके मनाते हैं, उसी तरह उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ पर समय भी ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही सुंदर ढंग से जैसी भावना हमारी वहाँ रहती है वैसी ही भावना घर में रहकर पर्वाधिराज परिषद को मनाना है। किसी ने लिखा है बसंत आता है तो फूल को खिलाता है, बसंत आता है तो फूल को खिलाता है और मेघ का गर्जन मयूर को नचाता है, दीपक जलता है अंधकार भगाता है और परिषद पर्व आते ही सोए हुए मनुष्य को जगाता है, सोए हुए मनुष्य को जगाता है। तो हम अपने जीवन में अनायासी संयोग योग मिला है कि हम पर्वाधिराज परिषद तन मन धन से मनाएं, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा दानशील तप और भोग के भाव की आराधना करेंगे। और किसी ने लिखा है भव मिला है भगवान बनने के लिए, भव मिला है भगवान बनने के लिए, तन मिला है तिरने के लिए, मौका मिला है मोक्ष जाने के लिए और पर्व परिषद आया है कर्मों को काटने के लिए, पर्व परिषद आया है कर्मों को काटने के लिए। अभी आप 8 दिन सुनेंगे हमारे महासती जी अरज ज्योति जी महाराज साहब जिनकी संयम यात्रा दीर्घ है, लंबी है, वो बहुत ही सुंदर अच्छे स्वर में आपको अंतगढ़ सूत्र का वाचन करेंगे। अंतगढ़ सूत्र यह है, इसमें 90 महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने अपने आप से लड़ाई की है, अपने कर्मों को काटा है। किसी ने बताया है सीज गया जो केक है, सीज गया जो केक है, पास हो गया जो चेक है, सीज गया जो केक है, पास हो गया जो चेक है, बच गया जो डेक है, बच गया जो देख है, ऐसे तो पर्व परिषद है अनेक है पर पर्व परिषद लाखों में एक है, पर्व परिषद लाखों में एक है। मैं आज इस मंगलमय अवसर पर सभी भाइयों के लिए पर्वाधिराज परिषद की आराधना करने के लिए मैं साध्वी सत्य साधना एवं साध्वी ग्रुप की तरफ से सभी के लिए शुभकामना और आशीर्वाद देती हूँ कि आपके पर्वाधिराज परिषद की मंगलमय आराधना सुख शांति पूर्वक पूर्ण हो, इसी कामना के साथ ओम शांति।
या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत तिरुपती इलेक्ट्रॉनिक्स बजरंग पुरा रोड जामनेर प्रोप्रायटर सनी डांगी धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बड़ा कोठा जामनेर जिल्हा जळगाव वाणी के जादूगर कलम के कलाधार संसार के बेताब बादशाह जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन दया के देवता क्षमा के सागर विरक्त योगिनी इंद्रिय विजेता पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले आदर्श श्रावकों चेलना सुलसा और रेवती के समान भाग्यशाली श्राविका हो सच कहती हूँ भक्तों उद्धार हो जाएगा सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा राजा रानाओं की हस्ती झुकी है उनके आगे चलती चलती रेलगाड़ियाँ रुकी है उनके आगे श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीश झुकाया हुई मुरादे पूरी उनकी बिन मांगे सब पाया बिन मांगे सब पाया मन की आंखें खोलो हो मन की आंखें खोलो दीदार हो जाएगा सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा 34 अतिशय के धारक मोह के मारक साधना की स्टीमर में सफर करने वाले वितराग परमात्मा फरमा रहे हैं कि जामनेर नगरी के अंदर परवाधि राज परुषण पर्व की सवारी आ पहुंची है इसलिए उठिए जागिए और जागृत होकर अपनी आत्मा को निरखिए सो रहा आदमी अपनी आत्मा को देख नहीं पाता है परवाधि राज परुषण पर्व आलस के सिराने से मुक्त करवाने के लिए आया है परवाधि राज परुषण पर्व बिस्तर के बिस्तर से छुड़ाने के लिए आया है जिस परवाधि राज परुषण पर्व की हम और आप बहुत दिनों से रहा देख रहे थे वह परम मंगलकारी कल्याणकारी आत्मा की उन्नति करने वाला पर्व का आगमन हो रहा है परुषण का मतलब क्या है पर्व याने पवित्रता के साथ जोड़ने की विशिष्ट प्रक्रिया आत्मा की जीवन ज्योति को जगमगाने वाला जयवंत पर्व मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला महामंगलकारी पर्व कर्म के कादों में लिपटे हुए को साफ करने वाला वाटर वर्क्स और आत्मानंद के झूले में झूलने वाला झूला और पामर प्राणी को पावन बनाने वाला पवित्र पर्व पर्व दो प्रकार के होते हैं एक लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व लौकिक पर्व यानि मोह शोक से जुड़ा हुआ होता है यानी उस पर्व के अंदर मोह शोक मस्ती करते रहो उसे लौकिक पर्व कहते हैं लोकोत्तर पर्व यानि ये सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ होता है यह आध्यात्मिक पर्व है अथवा इसे धार्मिक पर्व भी कहते हैं भारत वर्ष में धार्मिक पर्व की कोई कमी नहीं है जहाँ कषायों का यह परवाधि राज परुषण पर्व का आप सभी जामनेर वासियों के लिए मैसेज है आप उस मैसेज को रिसीव करी है कि जहाँ कषायों के विकृतियों का कचरा इकट्ठित हो गया है उस कचरे को विवेक की बुहारी से या विवेक रूपी झाड़ू से उस कचरे को साफ कर बाहर फेंक दो परुषण का अर्थ मतलब आत्मा के समीप बैठना है इसका मतलब है कि आपको 8 दिन के अंदर अपनी आत्मा के अंदर इतना तल्लीन हो जाना है अपने आत्मा के समीप में बैठना है परुषण पर्व
जीवन के हर प्रकार के दूषण को मिटाता है। यह पर्युषण पर्व आत्म जागरण का पर्व है। अभी तो हमने पर्युषण की चर्चा कर ली, अब हमें अंतकृत दशांक सूत्र पर चर्चा करनी है और चर्चा करना भी जरूरी है। यह पर्युषण पर्व में ही अंतगण सूत्र क्यों पढ़ा जाता है? सभी के मन में, दिमाग में यही प्रश्न, यही सवाल उठता है कि यह अंतकृत दशांक सूत्र 8 ही दिनों के अंदर और इसी महीने में क्यों पढ़ा जाता है? इस आगम के वर्ग भी 8 है, एक साथ इस शास्त्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर, इस आगम के अंदर 90 साधकों का वर्णन किसी और शास्त्र आगम में नहीं है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि यह आगम ज़्यादा विस्तृत नहीं है, सागर में गागर लिए यह शास्त्र 8 दिनों में पढ़ाया जाता है तथा सुनाया जाता है। पर्व के दिन भी 8 होते हैं और हमारे जैन सिद्धांत के अंदर भी कर्म 8 प्रकार के बताए हैं। जो भी 90 महापुरुष इस अंतर्गत सूत्र शास्त्र के अंदर जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए हैं, वह 8 कर्मों को खपाकर सिद्ध की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। और आगम में भी जो 32 तरह के आगम है, उस आगम में भी इसका 8वां अंग है। आगम यानि तीर्थंकर भगवान की वाणी, उस वाणी के संकलन करता है गंधर, उसे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र यानि क्या? शिष्य या साधक पर जो अनुशासन करे उसे शास्त्र कहते हैं। 32 शास्त्र है, 11 अंग है, उसमें 8वां अंग अंतगण सूत्र का है। यह ऐतिहासिक एवं चारित्र प्रधान आगम है। इस आगम में महान तप एवं साधनानिष्ठ साधक साधिकाओं के साधना मंडित प्रेरक जीवन का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया है। इस सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन है। 90 आत्माओं के वर्णन में से देखा जाए तो 51 आत्माएँ अंतगण के पहले वर्ग से 5वें वर्ग तक, उन आत्माओं का वर्णन है। इसमें दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि जो आत्माएं अंतिम श्वासोश्वास में उनको केवल ज्ञान हुआ और आखिरी श्वास के अंदर वो कहाँ चले गए? मुक्ति में चले गए। उन 90 आत्माओं को इकट्ठा किया गया है और उनका वर्णन इस अंतगण सूत्र में किया है। और इसी अंतगण सूत्र में 2 तीर्थंकरों के काल का वर्णन आता है, एक तो भगवान अरिष्टनेमी भगवान के काल का और एक दूसरा भगवान महावीर स्वामी के काल का वर्णन आता है। भगवान महावीर स्वामी के समय में 39 आत्माएं जिन्होंने श्वासोश्वास अंतिम श्वासोश्वास प्राप्त कर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए इस शास्त्र के अंदर। इसलिए हम इस शास्त्र के अंदर स्टार्ट में ही एक शब्द बोलते हैं, तेनम कालेनम तेनम समयनम। अर्थात इसका मतलब क्या है? उस काल और उस समय में जब चंपा नगरी के अंदर सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, प्यास और उसको शांत किया है और गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी है। सुधर्मा स्वामी आचार्य पद पर विराजमान है भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, क्योंकि भगवान के पाठ पर सबसे पहले कोई आचार्य बैठे हैं तो कौन है? सुधर्मा स्वामी। पहले आचार्य हमारे वही है और शिष्य भी बड़ा गजब का है। कौन सा शिष्य होगा वो? भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जम्बू स्वामी की जब दीक्षा हुई, उनकी अनुपस्थिति में यानि भगवान के सामने नहीं हुई थी, जम्बू स्वामी की जब दीक्षा हुई उनकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी और जिस वक्त ये आगम की वाचना हुई उस वक्त तक सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि केवल ज्ञानी सूत्र की वाचना नहीं करते हैं, वाचना नहीं देते हैं, क्योंकि बार बार यह नहीं कहते, सुधर्मा स्वामी जो मैंने भगवान से सुना है
वही मैंने तुम्हें सुनाया है। केवल ज्ञानी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका मतलब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, भगवान की वाणी को स्मरण कर रहे हैं। जैसे सुना वैसा सुना दिया, ये छद्मस्त काल में वाचना हुई है। भगवान की उस वक्त सुधर्मा स्वामी की उम्र संभवतः 24 और 28 वर्ष की बीच की उम्र थी और जम्बू स्वामी की 16 वर्ष की थी। भगवान ने निर्वाण के बाद 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे, यानी केवली बनने से पहले सुधर्मा स्वामी ने अपने जम्बू स्वामी को ये भगवान की अद्भुत वाणी का रसपान कराया। और पान तभी कराया जा सकता है जब जम्बू स्वामी में जिज्ञासा उठी, और जम्बू स्वामी की जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी का जवाब हम सब के लिए उपकारी बन गया, क्योंकि अगर जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा नहीं की होती तो सवाल नहीं उठते, सवाल नहीं उठाते तो जवाब नहीं आते, तो ये आगम हमारे पास नहीं होते। आगम इसलिए है कि ये गुरु शिष्य की देन है। किसी ने बताया है यह पर्व परुषण स्मार्ट नहीं समकीति बनाने आया है, स्मार्ट नहीं समकीति बनाने आया है यह पर्व परुषण, मॉडर्न नहीं महावीर बनाने आया है पर्व परुषण, मॉडर्न नहीं महावीर बनाने आया है यह पर्व परुषण, टॉप नहीं तीर्थंकर बनाने आया है यह पर्व परुषण, टॉप नहीं तीर्थंकर बनाने आया है पर्व परुषण, एवन नहीं एका भवतारी बनाने आया है पर्व परुषण, एवन नहीं एका भवतारी आया है पर्व परुषण। अब आपके सामने जो अंतर्गत शास्त्र का वाचन शुरू हो रहा है उसके पहले हम एक नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्रायान नमो लोए सवसाऊन एसो पंच नमो कारो सब पाप पनासनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता वन्नवो तत्थनम चंपाए नैरिये उत्तर पृथ्वीमये दिशि भाये इथनम पुनबद्धे नामम चये होता मनसंडे वन्नो तिसेनम चंपाए नैरिये कोनिये नामम राया होता मैया हिमवंत वन्नवो। अर्थात इस अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में कालचक्र दो होते हैं, कालचक्र के दो भाग होते हैं, एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में भी तीर्थंकर होते हैं और अवसर्पणी काल में भी तीर्थंकर होते हैं। महाविदेह क्षेत्र में 20 विहरमान होते हैं, वो भी तीर्थंकर ही होते हैं, उनका वहाँ विरह नहीं पड़ता है, वहाँ सदैव चौथा आरा लगा रहता है। वैसे ही अवसर्पणी काल में चौथे आर्य में श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर विचरण करते हुए चल रहे थे। इस अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा नगरी का विस्तृत वर्णन औपपादिक सूत्र में दिया गया है, अतः वहाँ से जानना चाहिए। चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक का चैत्य एकशायतन था। वह एक अति रमणीय सुंदर वनखंड, वनखंड किसे कहते हैं, जहाँ एक ही जाति के वृक्ष प्रधान हो उसे वनखंड कहा जाता है। उसका विस्तृत वर्णन औपपादिक सूत्र से जानना चाहिए। उस चंपा नगरी में कौनिक नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ महाहिमवान महामलय महेंद्र और मेरु पर्वत के समान प्रभावशाली था। अर्थात जिस प्रकार वहाँ महाहिमवान पर्वत लोक की मर्यादा करता है, उसी प्रकार वह भी प्रजा के लिए मर्यादा नियम बांधने वाला राजा था। जिस प्रकार महामलय पर्वत का सुगंधित पवन पर सर्वत्र फैलता है, उसी प्रकार
उसकी कीर्ति और यश चारों ओर फैला हुआ था। जिस प्रकार मेरू पर्वत अडिग है, उसी प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा एवं कर्तव्य पालन में दृढ़ एवं अडिग था। जिस प्रकार शक्र आदि इंद्र देवों में महान है, उसी प्रकार वह भी है। मनुष्य में प्रधानता उस कौनिक राजा का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्य सुहमे थेरे जाव पंचहिम अनगार सहिम सद्यम संपोरी वणे भुवानुपुविम चरमाने गामानुगामं दुईचमाने स्वसयनम विहरमाने जेनेव चंपा नैरी जेनेव पुनः बद्धे चेये तेनेव समोसरिये। परिसा निगया जाव पड़ी गया तेनम कालेनम तेनम समयनम अज्य सुहमस अंतेवासी अज्य जम्बु जाव पज्वा समाने एवं वयसी जैनम बंते समनेनम भगवया महावीरेनम आईगरेनम जाव संपत्तेनम सतमस अंगस वसगदसानम अयमठेपनत्ते अठमस्तनम बंते अगस्त अंतगढ़दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठेपनत्ते। अर्थात उस काल उस समय में स्थवीर आर्य सुधर्मा स्वामी 500 अंगारों के साथ तीर्थंकर भगवान की परंपरा के अनुसार विचरते हुए एवं अनुक्रम से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। आपके मन में प्रश्न होगा कि स्थवीर आर्य सुधर्मा स्वामी यानी स्थवीर किसे कहते हैं। स्थवीर यानी तब संयम में लगे हुए साधुओं को परिश उपसर्ग आने पर यदि वे संयम मार्ग से गिरते हो शिथिल बनते हो तो उन्हें जो संयम में स्थिर करे उन मुनियों को स्थवीर कहते हैं। वे वय श्रुत और दीक्षा में बड़े होते हैं। इस अपेक्षा से स्थवीर के तीन भेद बताए हैं, वय स्थवीर श्रुत स्थवीर और दीक्षा स्थवीर। वय स्थवीर जिन्हें कहा जाता है, जिन मुनि की वय 60 वर्ष की हो वे वय स्थवीर कहलाता है। श्रुत स्थवीर जो ठानांग सूत्र और समामायांग सूत्र के ज्ञाता हो उन्हें श्रुत स्थवीर कहते हैं, उन्हें ज्ञान स्थवीर भी कहते हैं। दीक्षा स्थवीर जिनकी दीक्षा पर्याय 20 वर्ष की हो उन्हें दीक्षा स्थवीर कहते हैं, उन्हें प्रवज्ञा स्थवीर या पर्याय स्थवीर भी कहते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी के आगमन को सुनकर परिषद उन्हें वंदना करने के लिए एवं धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकलकर वहां पहुंची और वंदन कर एवं धर्म कथा सुनकर लौट गई। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी की सेवा में सदा समीप रहने वाले काश्यप गोत्रीय आर्य जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप चार तीर्थ की स्थापना करने वाले यावत सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासंग दशांग नामक सातवें अंग में आनंद कामदेव आदि 10 उपासंगों का वर्णन किया है, वह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। अब कृपा कर यह बताइए कि अंतकृत दशा नामक 8वें अंग में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने किस विषय का प्रतिपादन किया है। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्यनम अठम संगस अंतगढ़ दशानम अठवग्गा पनत्ता जैनम बनते समनेनम जाव संपत्यनम अठम संगस अंतगढ़ दशानम अठवग्गा पनत्ता पणमस्तनम बनते वग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्यनम कई अज्जयना पनत्ता। एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्यनम अठम संगस अंतगढ़ दशानम पणमस्त वग्गस दस अज्जयना पनत्ता तम जहा। अर्थात हे जम्बू स्वामी के उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा नामक 8वें अंग में 8 वर्गों का प्रतिपादन किया है, उनमें से प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं। हे जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे गए हैं। वे इस प्रकार है, गौतम समुद्र सागर गंभीर स्थिमित अचल कंपिल अक्षोभ प्रसेंजित और विष्णु कुमार।
जैनम बंदे समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्सांगस्स अंतगढ़ दशानम पड़मस्स वग्गस्स दश जैना पनत्ता तम जा गोयम जाव मिन्नु पड़मस्सनम बंते अज्जैनस्स अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पनत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम बार वै नामम नैरी होता दुवालस्स जोयना यामा नव जोयन विच्छिन्ना धन वै मयि निम्मिया चामी कर पागारा नाना मनी पंचवन्ना कवि सिसग पड़ी मंडिया सुरमा अलकापुरी संकासा पमुया पक्की लिया पच्चक्कम देवलोगो भुया पासैया दरिस निज्जा अभिरुआ पड़ीरुआ। अर्थात जम्बू स्वामी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशाक नामक आठवें अंग के प्रथम वर्ग में जो 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव है? श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे आयुष्यमान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशात नामक आठवें अंग के प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में ये भाव कहे हैं, हे जम्बू, इस अवसर्पणी काल के चौथे आर्य में जब 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ स्वामी इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, उसी समय सौराष्ट्र देश की राजधानी द्वारिका नाम की नगरी थी। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। वह धनपति अर्थात वे श्रमण कुमार के अत्यंत बुद्धि कुशल द्वारा बनाई गई थी। वे स्वर्ण के परकोटे से घिरी हुई थी। इंद्रनील मणि वेडूर्य मणि पद्मराग मणि आदि नाना प्रकार की 5 वर्ण की मणियों से जड़े हुए कपि शीर्षक कंगूरे से सुसज्जित थी। शोभनीय एवं सुरम्य थी, जिसकी उपमा अलकापुरी कुबेर की नगरी से दी जाती थी। उस नगरी के निवासी सुखी होने से प्रमुदित हर्षित और क्रीड़ा करने वाले थे, इसलिए वह नगरी भी प्रमुदित और क्रीड़ाकारक थी एवं आमोद प्रमोद और क्रीड़ा की सामग्रियों से परिपूर्ण थी। अतएव वह प्रत्यक्ष देवलोक के समान थी। वह प्रासादीय दर्शकों के मन को प्रसन्न करने वाली थी और दर्शनीय थी। वह भी अभिरूप प्रतिक्षण नवीन रूप वाली और प्रतिरूप सर्वोत्तम असाधारण रूप वाली सर्वांग सौदर्य पूर्ण देदित्यमान थी। तिसे नम बारवये नयरिये बैया उत्तर पृथ्वीये दिशिबा एथनम रेवये नामम पवये होता वन्नवो तथनम रेवये पवये नंदनवने नामम उज्जाने होता वन्नवो सुरपिये नामम जखायने होता पुराने सेनम एगेनम वनसडेनम परिकिते असोगवर पायवे तथनम पारवये नयरिये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवसई महायिमवंतम राय वन्नवो सेनम तथ समुद्र विजय पामुखानम दंसनम दशा राणम बंद बलदेव पामुखानम पंचनम महावीरानम पजुन्न पामुखानम अदधट्टनम कुमारकोडिनम संभ पामुखानम सट्टिये सुदुदत्तम साहसिनम महासेनम पामुखानम छप्पनाये बलवग्ग साहसिनम वीरसेन पामुखानम एकविसाये वीरसाहसिनम उग्रसेनम पामुखानम सोलसन्नम रायसाहसिनम रुक्मिणी पामुखानम सोलसन्नम देवीसाहसिनम अने अनंगसेना पामुखानम अनेगानम गनीयासाहसिनम अनेसिचम बौनम ईसर जाव सत्तवाहनम बारवये नयरिये अधवरस य समतस अहेवच्चम जाव वीरई। उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व ईशान कोण में रेवतक नामक का एक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक उद्यान था, जिसका पूरा वर्णन अन्य सूत्रों से जानना चाहिए। उस उद्यान में सूर्यप्रिय नामक के यक्ष का यक्षायतन था। वह बहुत प्राचीन था। उस उद्यान में मनखंड से गिरा हुआ एक अशोक वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य राजा करते थे। जिस प्रकार महाहिमवन पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करता है, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव लोक मर्यादा का नियत एवं स्थिर करने वाले और लोक मर्यादा के पालक थे। द्वारिका नगरी में समुद्र विजय आदि 10 दशा और बलदेव आदि 5 महावीर थे। 10 दशा यानी बलदेव और वासुदेव के परिवार को 10 दशा कहते हैं। आदि 5 महावीर थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शत्रुओं से कभी पराजित न हो सकने वाले श्याम आदि 60,000 शूरवीर थे। महासेन आदि सेनापतियों की अधीनता में रहने वाले 56,000 बलवर्ग थे। वीरसेन आदि 21,000
कार्य कुशल वीर थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थी। 64 कलाओं में निपुण ऐसी अनंग सेना आदि अनेक गणिकाएं थी। और भी बहुत से ऐश्वर्यशाली नागरिक, नगर रक्षक, सीमांत राजा से सेनापति और सहर्दवा आदि थे। ऐसे परम प्रतापी कृष्ण वासुदेव द्वारिका से लेकर क्षेत्र की मर्यादा करने वाले बेताड़ पर्वत पर्यंत अर्धभरत क्षेत्र के 3 खंड का एक छत्र राज करते थे। तथनम बारवये नयरिये अंधग वन्नी नामम राया परिवसई मैया इमोन्तर वन्नो तस्नम अंधग वन्नी स रन्नोधारिणी नामम देवी वत्ता वन्नो रैनम स धारिणी देवी अन्नया कयम दसी तारिस्तगंसी सयन जिंसी एवं झा महाबल्ले सुमिन दंसन कन्ना जम्मम बाल तन कलाओय जौवनम पानी गहनम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमा नाबेनम अठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पानी गिन्ना वेंती अठ अठठो दाओ। उस द्वारिका नगरी में माँ हिमवंश मंदिर आदि पर्वतों के समान स्थिर एवं मर्यादा पालक तथा बलशाली अंधंग वृष्णि नामक के राजा थे। स्त्रियों के सभी लक्षणों से युक्त उनकी धारिणी नाम की एक रानी थी। वह धारिणी रानी किस समय पुण्यात्मों को शयन करने योग्य और कोमलता आदि गुणों से युक्त शैया पर सोई हुई थी। उस समय उसने एक शुभ स्वप्न देखा। स्वप्न चक्रवर्ती तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता जो होती है वह 14 स्वप्न देखती है, लेकिन वह क्लीन और क्लियर शुभ स्वप्न देखती है। और चक्रवर्ती की माता कुछ धुंधले स्वप्न देखती है और तीर्थंकर की माता एकदम स्पष्ट रूप से स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है और बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। और जो मांडलिक राजा होते हैं उनकी माता 1 स्वप्न देखती है। ऐसे एक एक स्वप्न देखने के बाद हर माताएं अपने पुण्यशाली बच्चे को जन्म देती है। स्वप्न देखकर रानी जागृत हुई। उसने राजा के पास जाकर अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाया। राजा ने स्वप्न का फल बतलाया। यथा समय रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का बाल्यकाल बहुत सुखपूर्वक बीता। उसने गणित, लेख आदि बस्तर कलाओं को सिखाया। उसके बाद युवा अवस्था होने पर उसका विवाह हुआ। उसका भवन बहुत सुंदर था और उसकी भोग उपभोग सामग्रियां चित्त आकर्षक थी। इन सब बातों को विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र शतक 11 उद्देश्य 11 में दिए हैं। महाबल कुमार के वर्णन के समान समझना चाहिए। अंतर इतना है कि इनका नाम गौतम था। माता पिता ने एक ही दिन में 8 सुंदर राजकन्याओं के साथ उनका विवाह कराया। विवाह में 8 कोटि हिरण्य चांदी, 8 कोटि सुवर्ण आदि 8 वस्तुएं इन्हें दहेज में मिली। तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिठनेमी आई गरे जावम ही रही जो विया देवा आ गया कन्ने भी निक गए तैनम से गोये में कुमारे जहाँ में है तहाँ निक गए धम्मम सोचा निसम जम नवरन देवानु पिया अम्मा पियरो अपुच्छामी देवानु पियानम अंतिये ओवयामी एवं जहा मेह जाओ अंधकारे जाए निरिया समय जाओ इनमेव निगंतम पावयनम पुरो कौम व्यरई तैनम से गोय में अंधकारे अन्नया कयाई अरहो अरिठनेमि सतहरुवानम थेरानम अंतिये सामय माययम इकरस गायम ऐ जय ऐ जिता गौयम चौथम जाव अपानम भावे माने भी रही कैनम अरा अरिठ नेमी अन्नया कयम बारवयो नयरियो नंदन वनाओ वज्रनाओ पड़ी निखमयी पड़ी निखमिता भैया जनवय विहारम प्रिय रही। उस समय में अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में पधारे। वहाँ भवनपति वानवंतर ज्योतिषी और वैमानिक ये चारों प्रकार के देव तथा मनुष्य और तिरेंच भगवान की धर्म कथा सुनने के लिए आए हुए थे। कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन से निकलकर भगवान के समीप धर्म श्रवण करने के लिए पहुँचे। ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णित मेघ कुमार के समान गौतम कुमार भी धर्म कथा सुनने के लिए आए। धर्म कथा सुनकर और उसे हृदय में धारण करके
गौतम कुमार ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद गौतम कुमार के अनगार होने तक का वृत्तांत ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णित मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। जैसे मेघ कुमार का वैराग्य प्राप्त कर माता पिता के बोझ समझाने पर भी भोग विलास की समस्त सामग्री को छोड़कर अनगार बन गए, उसी प्रकार गौतम कुमार भी अनगार बन गए। अनगार बनने के बाद क्रिया समिति, भाषा समिति आदि से लेकर निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर भगवान के कहे हुए प्रवचनों का पालन करते हुए विचरने लगे। उसके बाद गौतम अनगार ने किसी समय में अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमी के गीतार्थ स्थबिर साधुओं के समीप परिवर्जन निर्वध्य योग सेवन रूप सामयिक आदि छह आवश्यक तथा 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से चतुर्थ भक्त उपवास, छठ भक्त बेला, अष्टम भक्त, दशम भक्त, द्वादशम भक्त, अर्धमास और मास कम आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमी ने द्वारिका नगरी के नंदन वन उद्यान से विहार कर किया और धर्म उपदेश करते हुए विचरण तैनम से गोय में अनिकारे अन्नया कयम जेनेव अरह अरिठ नेमी तेने वुआ गच्छे उवा गच्छिता अरहम अरिठ नेमी तिकुतो आयहिनम पयहिनम करे करिता वंदई नमस्तई वंदिता नमस्ता एवं मया की इच्छा नितम बनते समाने मातियम भिक्षु पणिम सब जितानम वीरतीय एवं झा खंडो तहा बारस्थ भिक्षु पणिमाओ फांसी फांसिता गुणरयनम भी तव कम्मम तयो फांसे ही निरवशेषम एवं जहाँ खंडो तहाँ चित्त ही तहाँ अपुच्छयी ता घेरे सद्दीन से सुचम गुरुहई मासी आए सलेन आए बारस बरिसाई परी आई जाओ सिद्धे। एक दिन गौतम अनगार अरिहंत अरिष्ट नेमी समीप आए और भगवान अरिष्ट नेमी को 3 बार अदक्षिण प्रदक्षिणा की। अदक्षिण प्रदक्षिण करके गौतम कुमार ने भगवान को वंदना नमस्कार किया और वे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं। भगवान ने फरमाया, जैसे सुख हो वैसे करो। भगवान की आज्ञा पाकर गौतम अनगार ने भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 1 में वर्णित स्कंदक मुनि के समान 12 भिक्षु प्रतिमा का सम्यक आराधन किया और स्कंदक मुनि के समान ही गुणरत्न संवत्सर नामक तप का भी पूर्ण रूप से आराधन किया। जिस प्रकार स्कंदक मुनि ने विचार करके भगवान से पूछा, उसी प्रकार गौतम अनगार ने भी विचार किया कि और भगवान से पूछा। स्कंदक मुनि विपुल पर्वत पर गए, उसी प्रकार गौतम मुनि भी स्थविरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर गए और 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन कर मासिक सलेखना का करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। एवं खलु जम्बु समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्त अंगस्य अंतगढ़ दशानम पड़मस्त वक्कस्य पड़मस्त अध्ययनस्य अयमट्टे पनते पड़मम अध्ययनम सम्मतम एवं जहा गोयमो तहा शेषा मे वन्नी पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमे अयले कंपिले अखोबे पसे नही इन्नो ही एगममा एगगमा पड़मो वग्गो दस अध्ययना पनत्ता। सुरधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि आयुष्मान जम्बू, सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार गौतम कुमार के प्रथम अध्ययन का वर्णन किया है, उसी प्रकार शेष समुद्र कुमार आदि के 9 अध्ययनों का वर्णन भी इसी तरह जानना चाहिए। कुमारों के नाम इस प्रकार है: समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्थिमित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षम कुमार, प्रसेंजित कुमार और विष्णु कुमार। इन सब के पिता का नाम अंधक वृष्णी और माता का नाम धारिणी है। इसके अतिरिक्त इन 9 अध्ययनों में कोई भेद नहीं है, सबका वर्णन एक समान है। हे जम्बू, इस प्रकार प्रथम वर्ग के 10 अध्ययनों का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार आपके सामने प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है और अब द्वितीय वर्ग आपके सामने शुरू होने जा रहा है। जैनम बनते समनम जाव संपत्तेनम पड़मस्त वक्कस्त अयमठे पनत्ते दोचसनम बनते वक्कस्त अंतगढ़ दशानम समनम जाव संपत्तेनम कई अध्ययनम पनत्ता।
यम खलु जंबु समनेनम जाओ संपत्तेनम अठ अच्छेना पनत्ता तंजा अखोबे सागरे खलु समुद्र हिमंत अयल नामेय धरनेय पुरनेमीय अभिचंदे चेव अठमये तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नयरिये वन्नी पिया धारिनी पिया झा पड़मो वक्को तहा सवे अठ अच्छेना गुनरायन तव कम्मम सोलस वासाई परियाओ सेंतुजे मासी आए सलेन आए जासुता यम खलु जंबु समलेनम जाओ संपत्तेन अठमत्त अंगस वर्चस्त वक्क सायम अठे पनत्ते ये दोच्चो वक्को अठ जेना पनत्ता अर्थात जंबु स्वामी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान सिद्धि गति को प्राप्त समय भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग में गौतम आदि दस कुमारों के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है वह मैंने सुना। उसके बाद अंतगढ़ दशा के दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों का प्रतिपादन किया है। सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे जंबु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन किया है वे इस प्रकार है अक्षोभ सागर समुद्र हिमवान अचल धरण पुरन अभिचंद। जिस समय भगवान अरिष्ट नेमी विचरते थे उस समय द्वारिका नगरी में अर्धंक वृष्णि नामक के राजा राज्य करते थे। उनकी धारिणी नामक की रानी थी। उनके अक्षोभ सागर समुद्र हिमवान अचल धरण पुरन और अभिचंद नाम के 8 पुत्र थे। प्रथम वर्ग में गौतम आदि अध्ययन के समान अक्षोम आदि 8 अध्ययन भी है। गौतम आदि 10 कुमारों के समान इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की सलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे जंबु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ दशा नामक 8वें अंग के दूसरे वर्ग में उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। तो बंधुओं आज आपके सामने द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है। कल जैसे भी वर्णन चलेगा आगे जो भी वर्णन चलेगा आपके सामने बताया जाएगा। इसी आशाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग्मे तिवे पनत्ते तन जा सुत्ता गम्य अत्था गम्य तदुभया गम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालम जम वैद्यम मच्चामेलम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनहीनम जोघेनम घोषेनम सुट्टुदेनम दुट्टुपड़चेनम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशरना की ओर सुन छाम ओम शांति। ओम ग्रीन चिंतन मीन प्राशाताय महामंत्र पुरुपुरु ओम ग्रीन चिंतन मीन प्राशाताय महामंत्र पुरुपुरु ओम ग्रीन सिंह चिंतन मीन प्राशाताय महामंत्र पुरुपुरु ओम ग्रीन सिंह मरम सिंह जय सिद्ध विजय सिद्ध फतेह सिद्ध सिद्धि सिद्ध मीन सिद्ध ओम ग्रीन सिंह मरम सिंह जय सिद्ध विजय सिद्ध फतेह सिद्ध सिद्धि सिद्ध मीन सिद्ध पुरुपुरु विवेक प्रज्ञ से श्री श्री चतारिंदम हरिंदम स्वामी चतारी